राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से आज भी 84 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। भरतपुर से सबसे ज्यादा 31 केसेस आज सामने आए। जयपुर से 28, सिरोही से 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके अलावा झुंझुनू से 6, झालावाड़ से 5, चूरू से 3 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। डूंगरपुर और राजसमंद से भी 2-2 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले। और साथ ही में राजस्थान में जो कुल संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, वो 13,626 फिलहाल। प्रदेश में कोरोना से 10 मरीजों की मौत भी हुई है आज। और राजस्थान में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 323 फिलहाल हो चला है। लगातार राजस्थान में भी कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। 84 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आज सामने आए। भरतपुर में लगातार कोरोना का विस्फोट एक तरीके से जारी है। 31 केसेस आज भी दर्ज किए गए। चिंतनीय बात इन सभी के बीच में यह है कि 10 लोगों की मौत भी हुई है प्रदेश भर में आज। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार संख्या में इजाफा, 84 नए केसेस और 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में, चिंतनीय विशेष विषय है लोकेश। लोकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें बात करें तो आज सुबह जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 84 जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, तो वहीं अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़कर 13,626 हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या सामने आ रही है, तो ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और सुबह से जो आज जो रिपोर्ट आई उसमें प्रदेश भर में 10 जो कोरोना पॉजिटिव की मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आया है, जिसमें 6 मौतें भरतपुर में हुई है, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है भरतपुर के लिए भी आज। साथ ही जिस तरह से प्रदेश में जो कोरोना मौतों की जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, तो उसमें 323 प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उसमें रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और तकरीबन 77% की दर से अब लगातार प्रदेश में जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 10,582 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 10,328 जो मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से चिकित्सा विभाग की ओर से जो तमाम प्रयास किए गए हैं, जो सरकार की ओर से जो तमाम प्रयास किए गए, उसका परिणाम यह निकल कर सामने आ रहा है कि अब जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसका ये कहा जा सकता है कि राजस्थान कोरोना के संक्रमण को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ जिस तरह से अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज की बात करें, तो जो तमाम जो उपचार की पद्धतियां अपनाई गई है वो भी सराहनीय रही है, और साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार प्रदेश में जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उसकी काफी सराहना की जा रही है। जी जी लोकेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।